पूरे बिहार के साथ साथ देश की राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना लोजपा प्रकरण, टूट प्रकरण पे आज हमारे साथ बात करने के लिए जहानाबाद के राजनीतिक विशेषज्ञ शिशिर कौंडिल्य जी हैं, जो कि हमारे खास कार्यक्रम जो सच है वो सच है में आज आप लोगों को बताएंगे कि आखिर इसके पीछे क्या राजनीतिक वजह है, चाचा भतीजे में क्या ऐसी बात हो गई जिसको लेके आज सभी लोग चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी मुद्दे पे विशेष जानकारी या विशेष बातचीत के लिए हमारे साथ शिशिर जी हैं। आइए इन्हीं से सीधे हम पूछते हैं कि आखिर क्या वजह हो गई। शिशिर जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों को बहुत बहुत आभार। बेसिकली रही बात लोजपा प्रकरण की, तो ये शुद्ध रूप से मैं इसको अवसरवादिता के रूप में देखता हूं। शायद पशुपति पारस को यह लग रहा था कि रामविलास जी के बाद अगर उनके राजनीतिक बारिश के तौर पे और पार्टी के अध्यक्ष के तौर पे अगर कोई व्यक्ति होगा तो वो पशुपति पारस खुद होंगे। लेकिन चूंकि रामविलास जी ने अपने जीते जी, उनको ये समझ थी ख़ास तौर से राजनीति की, चूँकि पुराने पॉलिटिशियन है तो लाजमी है कि उनको एक समझ राजनीति की थी ही कि उनकी विरासत को आगे कौन बढ़ा सकता है। तो अपनी जिंदगी में ही उन्होंने लोजपा का अध्यक्ष भी अपने बेटे चिराग पासवान को बनाया और संसदीय दल का नेता भी, लोकसभा में लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय दल के नेता के रूप में भी रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ही थे। तो कुल मिलाकर के एक कसक पशुपति कुमार पारस के दिल में ये थी, क्योंकि वो खुद को समझ रहे थे कि रामविलास जी के बाद अगर कोई हो तो वो हम हों। लेकिन ऐसा, चूंकि एक रामविलास जी की समझ वैसी थी कि हो सकता है कि पशुपति पारस में जो कैलिबर हो उससे कई गुना ज़्यादा कैलिबर चिराग पासवान में है, और वो है भी, इनफैक्ट उसको लोग फील भी करते हैं आज के दौर में। मैं कोई बायस नहीं हूँ, मैं कोई पूर्वाग्रह से ये बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो फील भी करते हैं। आज की जो आम जनता है, आम जनमानस में जो चीज़ें हैं, उस बात को आप भी समझ रहे होंगे और हम भी समझ रहे हैं। शिशिर जी, दरार का कारण क्या रहा, आखिर क्या वजह रही कि चाचा भतीजा में दरार आ गई, पार्टी फूट की नौबत आ गई, पांच जो सांसद हैं उसे तोड़कर पशुपति जी अलग हो गए, चिराग जी एक अलग हाशिए पे आ गए, इसमें ये चूक कहाँ हुई है? देखिए, बेसिकली मैं यहाँ पे दो बातें लाना चाहूँगा आपको। सबसे पहले, जैसे चूक कहाँ हुई ये तो पार्टी नेतृत्व बताएगा कि कहाँ से किसकी चूक है, ये पशुपति पारस जी की चूक है या फिर चिराग जी की चूक है कि वो परिवार और पार्टी को संभाल नहीं सके या एक सूत्र में पिरो नहीं सके और पार्टी आखिर टूट गई। लेकिन सोचिए कि पशुपति पारस 1977 में एमएलए हो गए थे और उसी सीट से एमएलए हुए थे जिस सीट से 1969 में रामविलास जी एमएलए हुए। वो सीट था अलौली, अलौली विधानसभा सीट। 1969 में पहली बार वहाँ से रामविलास पासवान जी एमएलए हुए। जब 1977 में रामविलास जी लोकसभा गए तो वो सीट खाली हुई, उन्होंने अपने भाई को वो सीट दे दी और वहाँ से वो एमएलए हो गए। उसके बाद मैं आपको बताऊँ कि जब 2019 में, 2019 में जब राज्यसभा रामविलास जी को जाना था तो फिर से अपनी सीट हाजीपुर, उनकी परंपरागत सीट थी, वहीं से वो लोकसभा जाया करते थे, और उस सीट को, अपनी परंपरागत सीट को किसको दिया उन्होंने? पशुपति पारस को। वहीं से वो जीत करके सांसद बने हैं। अब पशुपति पारस को ये लग रहा था कि भाई इतने कॉम्पिटेंट हम हैं कि रामविलास जी जो है वो हमारे लिए सीट छोड़ रहे हैं और एक राजनीतिक विरासत हमें ही देंगे, ऐसा उनको एहसास था। लेकिन रामविलास जी कुछ और सोच रहे थे, उनको ये लगा कि शायद चिराग जी उनसे ज़्यादा उनमें कैलिबर है, तो उस हिसाब से एक वजह तो सबसे बड़ी वजह ही ये थी। यहाँ पे मैं पशुपति पारस की गलती भी मानूंगा कि जिस भाई ने आपको अपनी विरासत पे, अपनी राजनीतिक विरासत पे बिठाया, उसके साथ आपको डिच नहीं करना चाहिए था, एक चीज़ तो ये। दूसरी बात कि जैसे ही चिराग ने एनडीए में रहते हुए जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ चुनाव मैदान में अपने प्रत्याशी उतारे, कमोवेश जदयू को ये कसक थी
जदयू ने एक तीर से दो निशाने साधे, आप उसी हिसाब से देख सकते हैं उसको। पहला निशाना चिराग थे, चिराग के 5 MP को उन्होंने तोड़ दिया, यानी पार्टी को ही तोड़ दिया। दूसरा निशाना बीजेपी भी था, क्योंकि इसके पीछे जो चिराग ने आज बयान दिया है उसको अगर आप देखें तो पूरी तरह ये क्लियर है कि बीजेपी के इशारे पे चिराग NDA से अलग JDU के खिलाफ उम्मीदवार उतार रहे थे। वहाँ पर एक जो स्थिति बनी तो JDU को भी एक अशक्त थी, तो बीजेपी को उसने जो साधा वो इस रूप में साधा, चूँकि अभी कैबिनेट विस्तार जो होना है केंद्र में, तो भाई मेरे पक्ष के अगर सांसद ज़्यादा होंगे तो हमारी स्थिति वहाँ मजबूत होगी, वहाँ हम बड़े भाई के रूप में होंगे, एक निशाना वहाँ था। दूसरा कि तुम जो फड़फड़ा रहे थे तो तुम्हारी स्थिति ये हो गई है, तुम यहाँ पे ज़मीन पर आ गए हो, निशाना लोजपा के ऊपर था। तो एक तीर से जनता दल यूनाइटेड ने दो निशाना साधा, और इन लोगों को जो कसक थी, उनके परिवार के लोगों को, यानी खास तौर से चिराग के परिवार के लोगों को, वो कसक वहां वजह बनी, आप कह सकते हैं इसको। दूसरी एक ये भी बात है, देखिए है क्या, मैं आपको बताऊं कि अगर राजनीतिक इतिहास को देखेंगे तो टूट की वजह चाहे जो भी रही हो, मैं उस पर बात बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहूँगा क्योंकि वो उनके पार्टी का इंटरनल मैटर है, लेकिन ओवरऑल अगर परसेप्शन देखेंगे तो बिहार में जातीय फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर है, उसको आप नकार नहीं सकते। और जिस बिरादरी से नीतीश जी आते हैं, हरनौत के इलाके से 1977 में पहली बार उन्होंने जो है वो विधानसभा का चुनाव लड़ा, और उस दौर में वो चुनाव हार गए, एक निर्दलीय उम्मीदवार भोला प्रसाद सिंह से वो चुनाव हार गए। हारने की वजह क्या थी सो समझ लीजिए, हरनौत विधानसभा में ही एक गांव था, वहाँ नरसंहार हुआ था, पासवान जाति के लोग जो है वो मारे गए थे, और वो जो मारे गए लोग उसका जो आरोप आया था वो कुर्मियों के ऊपर आया था कि वो जो है कुर्मी के लोगों ने वहाँ पे उनकी हत्या की। इस वजह से ये हुआ कि एक मैसेज जो जाता है, तो नीतीश जी चुनाव हार गए। इवन 1980 में भी जो दोबारा चुनाव हुआ उसमें भी वो चुनाव हारे, और वो 85 में MLA हुए। तो एक तो कॉन्फ्लिक्ट की वजह ये थी, दूसरी वजह ये थी कि रामविलास पासवान का जो कद था बहुत बड़ा था, वो नीतीश जी से बहुत बड़े लीडर थे। नीतीश जी 85 में MLA हुए हैं और रामविलास जी 1969 में MLA हो चुके थे अलौली से, 1977 में वो लोकसभा चले गए थे, जबकि नीतीश जी 1985 में MLA ही हुए थे। तो आप समझ लीजिए कि जो डिफरेंसेस है वो कितना बड़ा था। यहाँ पे हम एक चीज़ और कहना चाहेंगे, अभी चिराग जी का हाल ही में बयान आया है कि भाई हनुमान कष्ट में है, तो फिर उन्होंने सीधे माननीय प्रधानमंत्री पे निशाना साधा है कि भाई हनुमान को जब कष्ट है तो राम खामोश क्यों है। तो यहाँ पे क्या लगता है, ये बीजेपी का कोई गेम प्लान है या फिर वो जानबूझ के खामोश हैं, या फिर बीजेपी के लोग जो हैं वो देख रहे हैं कि आगे आगे होता क्या है, ये थोड़ा सा क्या लगता है आपको इसमें? देखिए एक दो चीज़ें इसमें आपको समझनी पड़ेगी। कई लोगों का बयान आया, आपके जिले के सांसद माननीय अरुण कुमार जी हैं, उनका भी एक बयान आया कि हनुमान वध हो रहा है और आप चुप हैं, निशाना नरेंद्र मोदी जी की तरफ था, प्रधानमंत्री की तरफ। सवाल क्या है कि जो निशाना है वो नीतीश कुमार बीजेपी के निशाने पे थे, उनके बीजेपी के जो नेता थे वो चाहते थे नीतीश जी कमज़ोर हों ताकि हमारी स्थिति मजबूत हो, तो गठबंधन की भी सरकार रहे तो डोमिनेंट स्थिति में हम हों। देखिए राजनीति का अपना मिजाज होता है और हर लोगों की राजनीति का जो तरीका होता है वो अलग होता है। इस रूप में चिराग वहाँ पे एक मोहरे के रूप में बीजेपी के बने। चिराग का क्या था सो समझ लीजिए, जब 2019 में इस बात को चिराग ने भी कहा है और पब्लिकली ये बयान दिया है, 2019 में जब राज्यसभा जाने के लिए रामविलास जी
हुए, ये तय हुआ एनडीए की ओर से कि वो राज्यसभा जाएंगे, तो उनको एक अणे मार्ग बुलाया गया मुख्यमंत्री के आवास पर। और बुलाया गया तो ठीक है, बुलाना अच्छी बात है, रामविलास जी सीनियर लीडर थे, तो जो बिहेवियर होता है ना, जो व्यवहार होता है, एक तो सीनियर जूनियर का नहीं तो कम से कम बराबरी का व्यवहार तो आपको ज़रूर करना चाहिए था एक मुख्यमंत्री के नाते, एक बड़ा सीनियर लीडर आपके यहाँ गया है। लेकिन नीतीश जी का व्यवहार जो था वो शायद रामविलास जी को अच्छा नहीं लगा, और इस पर चिराग पासवान ने पब्लिकली बयान दिया। बाद में हालांकि वो बयान आया, राज्यसभा से वो चले गए, मंत्री भी बन गए, उसके बाद वो बयान आया कि राजनीति में हम रहें अथवा न रहें, लेकिन अपने पिताजी का अपमान जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। ये बयान चिराग का आया था नीतीश जी के खिलाफ। तो वहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, और उसी कॉन्फ्लिक्ट को बीजेपी ने हवा दे दी। अब बीजेपी का अपना एक जो है वो राजनीतिक मिजाज था, और चिराग का तो एक रिवेंज, एक रिएक्शन, तो उस हिसाब से यहाँ से थोड़ा सा जो दोनों के बीच खाई है वो ज़्यादा बढ़ी। मुझे एक चीज़ और है कि आप चर्चा में अक्सर सुना करते हैं कि लोजपा के कार्यकर्ता या नेता ही हैं जो पशुपति पारस को गाहे बेगाहे कटप्पा की उपाधि दे रहे हैं कि भाई इन्होंने पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है, तो यहाँ पे ये क्या लग रहा है कि वास्तविक में पशुपति पारस को कटप्पा की उपाधि दिया जाए या फिर चिराग बाहुबली हैं, ये कैसे क्लियर होगा? देखिए, चिराग जो है वो चिराग है, इस बात को तो आपको मानना पड़ेगा। आप जो लोग कटप्पा की उपाधि दे रहे हैं उसको आप समझिए, मैंने पहले भी आपको बताया कि जिस 1969 में जहां जिस विधानसभा सीट से रामविलास जी चुनाव जीत करके आए अलौली, वहां से 1977 में जब वो लोकसभा गए तो पशुपति पारस को उन्होंने सीट दिया। कितनी करीब की स्थिति थी सो उसको समझिए, एक भाई को अपनी विरासत संभालने के लिए उन्होंने दिया। जब वो सदन, वो जब लोकसभा से राज्यसभा में गए 2019 में, तो आप देखिए कि हाजीपुर उनकी परंपरागत सीट थी, और वहां से किसको भेजा? पशुपति कुमार पारस। अपने विरासत, जो राजनीतिक विरासत है, वो उनकी गोद में डाल दिया। और उनके मरने के बाद कमोबेश उनका ये एहसान तो पशुपति पारस को याद रखना चाहिए। पशुपति पारस में लगता है क्या कि वो क्षमता है कि वो कहीं सदन में लीड कर सकते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को? ऐसा आपको लगता है क्या? मुझे तो नहीं लगता। उनके हाव भाव स्वभाव या उनके जो क्षेत्र की उनकी जनता है उनसे आप पूछ लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्या उनको समझते हैं। चूंकि वो रामविलास पासवान के भाई हैं, ये उनका एडवांटेज है, और उस एडवांटेज का लाभ उनको मिला और वो संसद तक पहुंचे रामविलास जी की कृपा से। तो जिसके कृपा पात्र आप हैं, कम से कम उसके साथ तो दगा नहीं कीजिए, मेरा जहां तक मानना है। तो वहां पर पशुपति पारस को थोड़ा सोचना चाहिए था। अब बाकी के लोग हैं तो देखिए, मैं आपको बताऊं स्पष्ट तरीके से कि रामविलास जी ने दो क्रिमिनल पर्सनालिटी को, आपराधिक छवि के व्यक्ति को स्थापित किया अपने पार्टी में। एक ने जीते जी उनको छोड़ दिया, और दूसरे उनके मरने के बाद जो है वो डिच के, डिच दोनों ने किया, लेकिन दोनों का अलग अलग जो है वो। और कभी भी कोई अपराधी छवि के व्यक्ति, देखिए चुनाव जीत जाना, सांसद बन जाना, विधायक बन जाना, ये विषय दूसरा है, लेकिन आप नेता हो, पॉलिटिकल सोच आपकी हो, राजनीति बहुत लोग करते हैं, लेकिन राजनीति करने का मन होना, राजनीति करना और राजनीति करने आना, ये तीनों तीन चीजें हैं, इस बात को समझना पड़ेगा। राजनीति का मिजाज बहुत बड़ा है और उस मिजाज को आंका भी नहीं जा सकता इतनी आसानी से, लेकिन आपको एटलीस्ट अगर आप राजनीति कर रहे हैं तो मिजाज को समझना तो आना चाहिए। आप भी वही कर रहे हो तो आपका तो स्वभाव है, आप करोगे क्योंकि आप पॉलिटिशियन तो हो नहीं ना, तो इस बात को समझने की जरूरत है। अभी तेजस्वी यादव का भी बयान आया है चिराग के प्रति कि भाई बीजेपी का मोह भंग त्यागिए और इधर आइए, ये इसमें अब ऐसी स्थिति में चिराग पासवान को क्या स्टैंड लेना चाहिए?
देखिए, ये तो चिराग पासवान का व्यक्तिगत मसला है। वो चिराग अपनी पार्टी के नेता हैं, उनके साथ उनके समर्थक हैं, उनके कार्यकर्ता हैं। चिराग को ये निर्णय लेना पड़ेगा खुद से, वो उनका प्रिविलेज है, उनका विशेषाधिकार है कि वो किधर को जाते हैं। लेकिन ये तो स्पष्ट है कि अगर एक तरफ आप चिपके हुए हैं और वहाँ से आपको लात पे लात मिल रही है, तो दूसरे ऑप्शन को तो आप तलाशेंगे। और जहाँ तक पूरे देश भर में अजीत जी वोट की राजनीति जो है, उसमें पूरे जनता का जो मिजाज है वो दो ही तरफ है ना। वोट की धारा इस देश में दो तरफ है, तो अगर आप राजनीति कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक धारे को तो चुनना पड़ेगा। तो अगर एनडीए की धारा चिराग के विपरीत जा रही है, तो चिराग को तो दूसरे धारा को पकड़ना पड़ेगा। और बिहार में दूसरे धारा के रूप में अगर लीड रोल में कोई पार्टी है तो वो राष्ट्रीय जनता दल है, और राष्ट्रीय जनता दल के लीडर हैं तेजस्वी यादव। तो अगर उन्होंने आमंत्रित किया है तो ये तो राजनीति की स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन निर्णय लेने का पूरा पूरा अधिकार चिराग पासवान को है। शिशिर जी, आपको राजनीति का पुराना अनुभव है काफ़ी, आपको इसमें एनालिसिस आपने किया है, ये क्या लगता है ये पूरा लोजपा प्रकरण में जो है वो इसका मास्टरमाइंड गेम प्लानर इंस्टीट्यूट का कौन लगता है आपको, जिन्होंने ये पूरी घटनाक्रम को, साजिश को रचा और घटना को अंजाम दिया और उसके बाद इस तरह की राजनीति गलियारे में चर्चा का विषय बना हुआ है? देखिए, ये सबको पता है, पब्लिकली ये बातें आ भी चुकी हैं। जनता दल यूनाइटेड के एक बड़े लीडर का नाम उसमें आया है, अखबारों में भी ये खबरें आ चुकी हैं। तो वो जो है जनता दल यूनाइटेड के जो लीडर हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ये सबके सामने आ चुका है। और ये खेल मैंने पूर्व में भी बताया कि जनता दल यूनाइटेड का है, वो दोनों तरफ से खेल रही थी, शह और मात दोनों तरफ से वो खेल रही थी। उनको दोनों को एक अपने एक एक्ट से दोनों ही दलों को साधना था, भाजपा को भी साधना था और लोजपा को भी साधना था। और उसके साधने में जो उसके खिलाड़ी के रूप में जनता दल यूनाइटेड के एक वरिष्ठ लीडर जो नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, उनका नाम चर्चा में है। और कमोबेश खेल भी वहीं से, चूँकि जो राजनीतिक खेल है वो अनंत सिंह और सूरजभान जी और वगैरह वगैरह का जो मसला था, तो वहाँ कोई ना कोई एक पक्ष में, एक पाले में गेंद जानी चाहिए और किसी न किसी एक पाले को पकड़ के ही रहना है। तो इस रिगार्डिंग जो है वो बातें हुई और फिर ये पूरे साजिश का ताना बाना बुना गया और परिणाम आपके सामने है। तो ये थे हमारे साथ शिशिर कौंडिल्य जी, जहानाबाद के राजनीतिक विशेषज्ञ, जिन्होंने लोजपा प्रकरण पर पूरे अपनी वस्तु स्थिति को बताया कि कैसे कैसे घटना घटी और कैसे घटना को अंजाम दिया गया। और अब जो है वो चिराग या पशुपति पारस, अब ये तो उनका पर्सनल व्यक्तिगत मामला है, निर्णय है कि क्या होगा कैसे होगा। लेकिन ये जो हमारे खास कार्यक्रम में जो सच है वो सच है, इसमें एक बार पुनः जो है वो हम शिशिर कौंडिल्य जी का स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।